माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष सोनी, आपका मैथ्स गुरु, आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 3.4 हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, आज हम एक्सरसाइज 3.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। 3.5 बेस्ड है हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर, तो मेथड को समझते हैं। छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, वो भी आपको बता दूंगा किस तरीके से फार्मूले को याद करना है। उस फार्मूले को फिर हम अप्लाई करके हम x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यू नो डेट वेरी वेल, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। हियर a1 एंड a2 आर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए, बी यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे b1 लिखना है, यहाँ पे b2 लिखना है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी b1 लिख देंगे, यहाँ भी b2 लिख देंगे। अब देखिए, b के बाद में क्या आता है, c आता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे c1 c2 लिख दोगे। b के पहले क्या आता है, a आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 upon a2। इसके बाद में यहाँ से आपको क्या करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे x, ठीक है। तो देखिए, ये क्या बन जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y, लिख देंगे यहाँ पे, तो अब क्या होगा, डायगोनली मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, c1 a2 और ये क्या हो जाएगा हमारा c2 a1, ठीक है। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, हमें क्या बन जाएगा, डायगोनल मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये 1 अपॉन क्या मिलेगा हमें, a1 b2 एंड a2 minus a2 b1, ये हमने फॉर्मूला बना लिया। अब आपको क्या करना, एक बार x को 1 के साथ में इक्वेट करना, एक बार y को 1 के साथ में इक्वेट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x upon b1 c2 minus b2 c1 इज इक्वल टू 1 upon a1 b2 minus a2 b1, ठीक है। अब ये b1 c2 minus b2 c1 का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ में कर देंगे, तो आपका यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1। इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, फॉर्मूला डेराइव हो गया है। अब देखिए, सेकंड y को इक्वेट करते हैं, तो ये क्या मिलेगा हमें, y upon c1 a2 minus c2 a1 इज इक्वल टू 1 upon a1 b2 minus a2 b1, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई कर देते 1 के साथ में, ये क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus a2 b1। देखिए, दोनों ही फॉर्मूले में क्या है, हमारा जो न्यूमरेटर है, सॉरी जो डिनोमिनेटर है, दोनों ही x और y की वैल्यू में हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो सेम है, बट हमारी क्या हो रही है, x में ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है, y में, और x और y में हमारा सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट, आप लोग क्या है, यहाँ पे b1 c2 b2 c1 a1 a2 और c2 a1 में आप क्या करोगे, मिस्टेक करते हो और साइन की भी गलती कर सकते हो। तो इसलिए क्या है, आप फॉर्मूला यदि इस तरीके से लिख के इसे साफ सॉल्व करोगे, समझ के आप करोगे, तो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत ही आसान है। और अदरवाइज यदि आप एक जगह पे भी गलती कर गए हो, तो पूरा आपका सम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, ये फॉर्मूला आपको समझ में, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हो, a1x plus b1y plus c1 = 0, a2x plus b2y plus c2 = 0। हमने क्या लिखा है, यहाँ पे b1 b2 लिख दिया, यहाँ पे b1 b2 लिख दिया है। अब आप ये जानते हो कि b के बाद में क्या आता है, c आता है, तो हमने यहाँ पे c1 c2 लिख दिया है। b के पहले क्या आता है, a आता है, तो हमने यहाँ पे a1 a2 लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे x लिखा है,
और क्रॉस डायगोनली मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल दो आप इसे, तो बी वन सी टू, ये देखिए बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये आ गया हमारा सेकंड, क्या होगा सी वन ए टू, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, ये फॉर सेकंड आ गया हमारा वाई की वाई अपॉन आ गया, उसके बाद में ये वन होगा ए वन ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब हमने क्या किया, एक बार इसको एक्स को हमने इक्वेट कर दिया वन के साथ में, एक बार इक्वेट कर दिया है y को 1 के साथ में, तो हमारा फॉर्मूला जो फाइनली बन गया है वो क्या हो गया, x इज इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन में ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन एंड सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन बी टू माइनस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। देखिए ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले के ऊपर हम क्या करते हैं, आपकी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन जो दे के रखी हुई है उसका क्या निकालना है, यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही आपको मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, अदरवाइज नहीं निकालनी है। देखिए एक्स इक्वेशन क्या दे के रखी है, एक्स माइनस थ्री वाई, एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है हमारा। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों की दोनों इक्वेशन क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद इसे हम आगे किस तरीके सॉल्व करते हैं देखिए। अब देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ये हमारा a1 बनेगा। y का कोएफिशिएंट हमारा b1 बनेगा, तो ये हो गया हमारा माइनस 3। और c1 क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा माइनस 3। एंड देखिए x का कोएफिशिएंट, अब सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2 होगा, वो होगा 3। सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट हमारा कितना है, 9, माइनस 9 हो जाएगा। और c2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 2 मिल जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से हम रेशोज निकाल लेते हैं, तो रेशोज निकालने के लिए क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 9 एंड सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस यहाँ भी कैंसिल होगा, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू मिल गया 1/3। और ये है फर्स्ट वाला रेशो था हमारा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 1/3। और थर्ड लास्ट वाला रेशो है हमारा सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं रेशोस का, रेशो का कंपैरिजन करोगे तो देखिए ये 1/3 है, 1/3 है, और ये सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू 3/2 है। डेट मीन्स इट इम्प्लाइज डेट ऑन कंपेरिजन ऑफ रेशो आपको क्या मिल रहा है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, विच इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, विच इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, ठीक है। देखो जब भी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि यदि नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो आपको मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं करना है, यदि यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनती है तो ही आपको मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके आगे फर्दर से सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में जो गिवन इक्वेशन है वो देखे रखी हुई है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। देखिए ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मतलब अब क्या करना पड़ेगा, 5 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, a1 निकाल लेते हैं, तो a1 क्या बनेगा, x का कोएफिशिएंट ये है 2 है ना, y का कोएफिशिएंट b1 है ये 1, और c1 कांस्टेंट टर्म ये हमारा माइनस 5 हो जाएगा। a2 निकाल लेते हैं,
ए टू यहाँ पे क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, बी टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वाई का कोएफिशिएंट 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा सी टू जो है कॉन्स्टेंट टर्म होगी। तो आपने क्या निकाल लिया, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू की वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या करते हैं, रेशो निकाल लो, ए वन अपॉन ए टू निकाल लेते हैं। तो ए वन अपॉन ए टू कितना हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा, बी वन अपॉन बी टू कितना आ जाएगा हमारा 1/2, और सी वन अपॉन सी टू हमारा कितना आ जाएगा -5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए रेशो का कंपैरिजन करोगे आप तो ए वन अपॉन ए टू इजिकल टू 2/3 एंड बी वन अपॉन बी टू ये कितना मिल रहा है हमको 1/2। यहाँ से ये क्लियरली दिख रहा है ऑन कंपैरिजन ऑफ रेशो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है। अब इट इम्प्लाइज डेट इट इज विच इज यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन, विच इज यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन। देखिए अब इस क्वेश्चन का जो गिवन इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा हमको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि जो गिवन इक्वेशन है यदि ये यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन है तो आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट यूनिक सॉल्यूशन हो तो उसको आगे आपको मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अब ये हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए मैंने यहाँ पे एक्स का जो क्रॉस उसका सॉल्यूशन लिख के रखा हुआ है, मैंने जो मेथड का एक्स की वैल्यू लिख के रखी हुई है और वाई की भी वैल्यू लिख के रखी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारा, एक्स इज इक्वल टू है हमारा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन और ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ए वन कितना था, अब यहाँ पे बी वन, बी वन सी टू, बी वन कितना है यहाँ पे देख लो, बी वन वन है, बी वन सी टू माइनस एट है, तो ये हमने लिखा 1/-8। अब जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसे आपको आप ब्रैकेट में लिखो, आप गलती नहीं करोगे। बी टू, बी टू कितना है हमारा, बी टू देखिए 2 है, और सी वन कितना, सी वन हमारा माइनस में है, इसे हम क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे। अब ए वन कितना है हमारा, डिनोमिनेटर में देखिए ए वन 2 है, और बी टू कितना है, बी टू हमारा 2 हो रहा है, उसके बाद में ए टू कितना है हमारा, ए टू 3 है, और बी वन, बी वन कितना है हमारा 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई होने पर माइनस का एड मिलेगा, माइनस माइनस क्या मिल जाएगा हमें, ये प्लस मिल जाएगा, अपॉन में 2 2 4 4 -3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखिए -8 + 10 कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा, तो ये होगा 2/1। तो फाइनली क्या बोल सकते हैं हम, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बच्चों आपको लगा होगा मेथड कितनी आसान है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं y का वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मैं ऊपर कर देता ताकि आपको समझ में आ जाए ये किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। देखिए y वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, y इज इक्वल टू था हमारा c1 a2 - c2 a1/a1 b2 - a2 b1। देखिए मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने सॉल्व करा था, तो डिनोमिनेटर हमको कितना मिल गया था, 1 मिल गया था। अब हम क्या न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं, तो c1 कितना है हमारा, c1 हमारा -5 है, इसे मैंने ब्रैकेट में लिखा, a2 कितना है, a2 हमारा 3 हो गया, माइनस का साइन फॉर्मूले में ऊपर लगाया, c2 हमारा कितना है -8 है, और a1 कितना है हमारा 2 है, डिनोमिनेटर में हमने -1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, तो ये हो गया हमारा -15, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 2 16, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/1, तो यहाँ पे y कितना मिल गया आपको, y इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ पैरा लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपने ये जो क्वेश्चन था
एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर बेस्ड था। आपको समझ में आ गया होगा। कीप प्रैक्टिस स्टूडेंट्स।